देश में लगातार बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह शाम ठंड भी लगभग खत्म होती जा रही है। साफ आसमान और तेज धूप के बीच इस हफ्ते के अंत में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। उधर सोमवार को भी दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 93 से 25% रहा। पीतमपुरा दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा जहां अधिकतम तापमान था 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी आसमान साफ रह सकता है। दिन भर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रह सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये साफ यानी कि मध्यम श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का AQI 199 दर्ज किया गया। NCR में फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 196, गाजियाबाद में 133, ग्रेटर नोएडा का 202 और नोएडा का 147 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में रहा जबकि अन्य सभी जगह मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। हाल फिलहाल कमोबेश यही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है।